कि आदरणीय तेजस्वी जी जो सपना पाल के बैठे हुए हैं कि हमको मुख्यमंत्री का कुर्सी मिलेगा, तो मार्च अप्रैल तक तो टल गया ना। हमें तो लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश का हित नहीं चाहते हैं, प्रदेश के युवाओं का हित नहीं चाहते हैं। आपने यह प्रयास किया कि राज्य में शराबबंदी हो, लोग नशा मुक्त हो जाएं, और ये अगर लोग नहीं मान रहे हैं तो अंततः आप छोड़ दीजिए, क्योंकि उससे भी भयंकर नशे की तरफ आपके राज्य के युवा जा रहे हैं। यहाँ मार्च अप्रैल एक डेट भी इनडायरेक्ट रूप में दे दिए कि उस समय हम बन जाएंगे, और अंदर अंदर मर्जर की बात कर रहे हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जनता दल यूनाइटेड यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बनेगी। राष्ट्रीय परिषद की बैठक, खुला अधिवेशन, सब कुछ संपन्न हो चुका है। कई अहम मुहर लगे हैं और कई तरह की बातें सामने आई हैं। ऐसे में जनता दल यूनाइटेड के नेता बहुत खुश हैं और जो जदयू से निकल गए हैं वो काफ़ी दुखी हैं। हमारे साथ आरसीपी सिंह के काफ़ी करीबी अमित सिंह हैं। ये सभी लोग आरसीपी सिंह के साथ हैं, जदयू छोड़ चुके हैं। अब तो आप लोग पछता रहे होंगे कि राष्ट्रीय पार्टी जदयू बनती, आप लोग पहले ही निकल गए। देखिए, हम सनी जी बहुत खुश हैं, हम लोग पहले ही निकल गए। डूबते हुए नाव की सवारी करने का कोई मतलब नहीं बनता था। और आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय ललन बाबू को डूबते हुए नाव का कमांडर बनने के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं। और हम लोग ईश्वर को धन्यवाद कहते हैं कि सद्बुद्धि दिए कि हम लोग बाहर हो गए। जी बिल्कुल, ललन सिंह को आप बधाई दे रहे हैं। हाँ, अरे अरे, ललन बाबू को बधाई नहीं देंगे भाई। मतलब देखिए, एक मेरिट की तो बात है, जब नाव डूबने लगता है तो कोई रहता नहीं है, लेकिन आज डूबते हुए नाव की पतवार बचाने की क्या कोशिश कर रहे हैं। अब वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि डीप ब्रेथ में जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो समय बताएगा। लेकिन हाँ, ललन बाबू हमारे बधाई के पात्र हैं और बने हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो उनको बधाई देंगे ना। इसलिए बधाई दे रहे हैं कि भाई नई पारी, नया शुभारंभ, और उनका स्वागत तो कुड़नी ने कर ही दिया। कुड़नी ने तो बहुत अच्छा स्वागत उनका कर ही दिया, लेकिन चलिए आगे भी और स्वागत जनता करेगी, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। आपके नेताजी ने एक बयान दिया आरसीपी सिंह ने, और उस बयान की चर्चा काफी हो रही है। नीतीश कुमार ने भी चर्चा किया और कहा कि शराबबंदी हर हाल में रहेगा। शराबबंदी पर जदयू के कई नेताओं ने बयान दिया कि वो तो साथी थे, वो तो कहते हैं कि हमने ही नीतीश कुमार के लिए योजना बनाया, तो शराबबंदी जैसी योजना भी वही बनाए होंगे, तब विरोध क्यों कर रहे हैं? नहीं, आदरणीय रामचंद्र बाबू, 2005 से लेकर 10 के बीच में जो सुशासन का स्क्रिप्ट लिखा गया, जितनी सारी योजनाएं बालिकाओं के लिए, कन्याओं के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए है, जो 7 निश्चय कार्यक्रम आया, उसके पूर्व जो भी योजना जो बिहार में दिखा, सड़कों का जाल दिखा, सुशासन दिखा, इसका स्क्रिप्ट उन्होंने लिखा। ये शराबबंदी कब लागू हुआ? 2016 अप्रैल में, जब अलग पलग एक राउंड कर चुके थे। हाँ। तो अलट पलट में रामचंद्र बाबू कहीं शामिल नहीं थे। अब चूंकि बॉस नीतीश कुमार जी थे, अब ये तो नैतिकता नहीं होती है ना कि आपको हम कह ही सकते हैं ना कि आप ये कीजिए, लेकिन आप नहीं मानिएगा हमारी बात, तो ठीक है। लेकिन उस साल भर में नाकोदम होकर और फिर वापस आए थे। और जो शराबबंदी माननीय मुख्यमंत्री जी जो हठधर्मिता बनाए हुए हैं ना, फलाफल इसका प्रदेश के लिए, हमें तो लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश का हित नहीं चाहते हैं, प्रदेश के युवाओं का हित नहीं चाहते हैं। आने वाले दिन में जिस तरह से एक फिल्म बनी थी ना, उड़ता पंजाब, वैसा ही उड़ता बिहार होने में बस चंद कदम दूर रह गया है। अब कौन लोग, आप देखिएगा, एक हम वीडियो देख रहे थे यहाँ हाल फिलहाल में, ये जो पार्क है सचिवालय के सेक्रेटेरिएट के पास, जो पार्क बना है इको पार्क, वहां पे बने लड़का व्हीलचेयर पे बैठा है, लेकिन वो क्या तो सूंघते रहता था वो लेकर, मतलब नशे के, सूखे नशे के आदि युवा होते जा रहे हैं, नया नया जनरेशन होते जा रहा है। तो एक राजा का राजधर्म ये नहीं है। ठीक है, आपने राजकोष का तो त्याग किया ही, लेकिन राजकोष का त्याग करके अगर प्रदेश को शराब मुक्त, नशा मुक्त बना देते तो शायद बहुत बड़ा काम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी हठधर्मिता छोड़ के, हृदय से और प्रदेश के बच्चों को अपना बच्चा समझ के, और यह आप निजी तौर पे सर्वे करवा लीजिए, सारा इंटेलिजेंस आपके पास है, उनसे यह पता लगवा लीजिए कि क्या स्थिति हो चली है। आखिर शराबबंदी है तो शराब होम डिलीवरी कहां से हो रही है? मैं उसका पक्षधर नहीं हूं, क्योंकि ना ही हम आज तक शराब का सेवन या कोई कुछ भी नहीं जानते हैं, या कोई भी लोग नहीं जो परिवार से प्रेम करते हो शराब का सेवन नहीं जानते हैं। लेकिन ये जो शराब के कारण सूखा नशा जो आ रहा है,
और यह शराबबंदी पूर्णतः क्यों नहीं बंद हुई? मैं आपके नीतियों पे सवाल उठा रहा हूं, शराबबंदी पे मेरा कोई प्रश्न नहीं है। मैं खुले तौर पे बताता हूं कि बहुत अच्छा कदम था, सराहा था, लोगों ने कहा था कि भाई, सब लोगों ने कहा था, लेकिन ये नीतियां कैसी आप बनाए हैं कि शराब इन कैसे कर जाती है? शासन आपके, प्रशासन आपके, अधिकारी आपके, सारा इंटेलिजेंस विंग आपका, फिर भी अगर शराब आ रहा है तो या तो दो कदम उठाइए, या तो इस शराबबंदी को बंद कर दीजिए, छोड़ दीजिए। आप एज ए पिता आपने यह प्रयास किया कि राज्य में शराबबंदी हो, लोग नशा मुक्त हो जाएं, और ये अगर लोग नहीं मान रहे हैं तो अंततः आप छोड़ दीजिए, क्योंकि उससे भी भयंकर नशे की तरफ आपके राज्य के युवा जा रहे हैं। ठीक है, वही महिलाओं की कलाई की सिंदूर की रक्षा के लिए, महिलाओं के कहने पे, जीविका दीदियों के कहने पे अपना शराबबंदी की। तो आप नजर उठाकर देख लीजिए ना कि कौन लोग हैं। सबसे ज्यादा तो प्रताड़ित महिलाएं होती हैं, उनको जेल का चक्कर काटना पड़ रहा है, और इस शराबबंदी का भुक्तभोगी चुनाव में असर दिखा है, और प्रदेश में इसका बहुत आक्रोश है, ग्राउंड पे हम लोग घूमते हैं, पता है। अच्छा ठीक है, शराबबंदी की आड़ में ताड़ी पासी समाज का, आप देखे ना कि गांधी मैदान में कितना भयंकर भीड़ हुआ, उस पासी समाज ने भी तो आपको कोढ़नी में बता दिया। अब ये कहते हैं कि निरात सुबह सूर्योदय से पूर्व दिन भर में 3 बार ताड़ी उतारी जाती है, सब लोगों ने गांव में देखा होगा जो गांव से जुड़े हैं। तो सूर्योदय से पूर्व 3 बार ताड़ी उतारने का कोई टेक्निक अगर है तो बताइए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 1,00,000 रुपया हम देंगे वैसे सब लोगों को जो ये को छोड़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी 1,00,000 रुपया नहीं, आप 10,00,000 दीजिएगा, जो आदि है, खान पान पे कभी प्रतिबंध नहीं लगा है, जिसका जो आदत है वो आदत बना रहेगा, बिल्कुल बना रहेगा। एक सवाल उठ रहा है कि नीतीश जी को अब 6 महीने के लिए दिल्ली भेजा जा रहा है, किसी त्यागी ने कहा कि अब नीतीश जी को दिल्ली भेजा जाएगा, आपको लगता है कि नीतीश जी दिल्ली जाएंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्रधानमंत्री मटेरियल बन जाएगी? अब देखिए, अब हम आपको बताएं ना कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे थे वो रह नहीं गए, और शेर जब कमजोर पड़ता है ना, कोई दो राय नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री जी तब क्या थे, आज उनकी दुर्गति होते जा रही है, और वो दुर्गति उनके स्व निर्णय और स्व विवेक के कारण हो रही है। जब तक रामचंद्र बाबू उनके इर्द गिर्द सुरक्षा घेरा जो बनाए रहते थे, अरे ऐसे ऐसे लोगों का की क्या अभिशाप थी साहब, जो उनके नजदीक फटक जाए, इस तरह की कोई बात कर लें, और वो हमेशा खुले दिल से कहते थे कि मैं बिहार की जनता ने हमें सेवा करने का मौका दिया है, मैं बिहार में रहूंगा और उनकी खिदमत करता रहूंगा, जब तक वो चाहेंगे खिदमत करेंगे। और आज ये केसी त्यागी, आदरणीय केसी त्यागी जी जैसे लोग, या जो लोग भी चाह रहे हैं, तो ये क्यों चाह रहे हैं? बस वो चाह इसीलिए रहे हैं कि इनको कैसे आप पुश आउट करें, इनको यहां से हटाएं, और फिर यहां जो हमको अर्जर मर्जर का खेल करना है करें। आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार वहां जाएंगे तो यहाँ बिहार में कुछ गड़बड़ होगा, ललन सिंह मुख्यमंत्री की कुर्सी हथिया लेंगे? देखिए, अब ये तो असंभव है, भूतो न भविष्यते। ललन सिंह जी, आदरणीय ललन बाबू, कभी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच सकते हैं। और दूसरी बात है कि आज हम आदरणीय ललन बाबू का एक वक्तव्य सुन रहे थे, अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई ललन बाबू, आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, आप जनता दल यू को राष्ट्रीय पार्टी बनाइएगा ना। ठीक है, अब देखिए कितना कंट्रोवर्शियल बात है जी। अगर जनता दल यू को राष्ट्रीय पार्टी बनाइएगा, और ललन बाबू ने उसके आंसर में कहा कि कैसे हम बनाएंगे, नागालैंड में, मणिपुर में चुनाव हुआ, अरुणाचल में हुआ, 5.6% वोट हमको मिला, 0.4% के कारण हम रह गए, नागालैंड में चुनाव होना है, वहां हम ये हासिल कर लेंगे, 4 राज्य में हमको राज्य की दर्जा मिल जाएगा, और फिर हम राष्ट्रीय पार्टी बन जाएंगे। जी, जी। ये फरवरी मार्च में चुनाव होना है, इसका मतलब सबसे पहले तो यह जानिए कि आदरणीय तेजस्वी जी जो सपना पाल के बैठे हुए हैं कि हमको मुख्यमंत्री का कुर्सी मिलेगा, तो मार्च अप्रैल तक तो टल गया ना, और खुले मंच से उन्होंने कह दिया ना कि मार्च अप्रैल तक टल गया। जी, जी। हमारा कहने का अर्थ यह है कि ये मर्जर तो करेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव जी को जैसे झुकाए ना, जिस तरह से वो जनता के आशाओं पे आदरणीय तेजस्वी जी कुठाराघात किए, उनकी भावनाओं के साथ खेल के सिर्फ सत्ता के मुंह में चले गए कुर्सी के नजदीक, वैसे इनको और झुकना पड़ेगा, और झुकाएगा लोग, और लास्ट में फिर लोग मर्जर करेंगे। अब बताइए, ये तो कार्यकर्ता को कितना भेद की बात कर रहे हैं, जदयू को राष्ट्रीय पार्टी, अब जदयू के कार्यकर्ता बुलंद है भाई, राष्ट्रीय पार्टी बनना है तो मर्जर की बात कहां होती है। यहां मार्च अप्रैल एक डेट भी इनडायरेक्ट रूप में दे दिए कि उस समय हम बन जाएंगे, और अंदर अंदर मर्जर की बात कर रहे हैं। मतलब किसी के लिए कोई क्लियर सिनेरियो नहीं है, ना ही राजद के लिए। अगर राष्ट्रीय पार्टी बनाना है और आप ही की पार्टी को कंटिन्यू करना है, तो फिर आपने क्यों दिया था आश्वासन? फिर राजद के लोग कहां जाएंगे? तेजस्वी यादव को कब मुख्यमंत्री बनाएंगे? या तो वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे,
या तो अगर उनको मुख्यमंत्री बनाइएगा तो फिर जदयू के जो कार्यकर्ता हैं वो बाहर जाएंगे और कहते हैं कि 40 के 40 सीट जितवा लेना है। तो ये देखिए, अब बोलने के लिए हम कह दें कि हम ही प्रधान मुख्यमंत्री बन जाएंगे बिहार के, तो ये कह देने में कोई अंतर नहीं जाता है सनी, लेकिन होना जाना कुछ नहीं जी। जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय परिषद और खुला अधिवेशन में कई बातों पर मुहर लगी है और जिसमें स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे, नीतीश कुमार जिन एजेंडों को, जिन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं उन मुद्दों पर चलेंगे। बिहार में शराबबंदी पहले से है और जारी रहेगा और इन तमाम चीज़ों का जिक्र नीतीश कुमार ने किया है। तो ऐसे में ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर आरसीपी सिंह की तरफ से बधाई भी आया है और अमित सिंह ने ललन सिंह को बधाई दिया है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।